Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. We have all paid tributes to the 20 brave heart soldiers who died in the line of duty fighting the Chinese in the Galwan Valley. But who were they? Who were their parents? Who were their families? They should not remain mere statistics. We are here at the house of young Deepak Singh Gehrwar, a Nayak who valiantly took on the Chinese. And you can, of course, here see not just tributes to him, but of course, the proud tricolor right there in front of his photograph. This is a remote village in the Rewa district of Madhya Pradesh. And we are with their brothers here. We are with their father. If you look at that side, there are many relatives. And in this small village, there are also the women who are sitting here. और दीपक जी के दादाजी दादी जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आपसे. आप अपना नाम बताइए. मैं जानती हूँ आप उनके बड़े भाई हैं और आप भी फौज में हैं. मेरा नाम प्रकाश सिंह गहरवार है. मैं 75 आर्मर रेजिमेंट में जैसलमेर में पोस्टिंग हूँ. जी. और आपके भाई ने जान पे बाजी लगा कर चाइनीज़ को टेक ऑन किया हमारे देश के लिए. और एक फौजी के लिए दर्द तो है, लेकिन इस पर एक फिकर भी होती है, एक वो एक प्राइड भी होता है. जी मैम, मैं एक सैनिक होने के नाते मैं इस बात पे गर्व करता हूँ कि मेरा भाई देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया. उसके साथ साथ मैं उसका बड़ा भाई भी हूँ, तो उसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती. लेकिन हाँ, ये कि उसके जो कार्य थे बचे हुए, उसका जो मार्गदर्शन था मेरे साथ हमेशा रहता था, तो मैं वही कोशिश करूँगा कि उसी के मार्गदर्शन पर चलता रहूँ मैं. आपसे उनकी कोई बात हुई आखिरी दिनों में? मेरी बात हुई लास्ट 4 मई को बात हुई थी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज में था, वहाँ नेटवर्क की समस्या थी. वो फ़ोन लगाते थे तो मेरा फ़ोन नहीं लगता, तो मैं लगाता तो उनसे बात नहीं होती थी. तो ये फ़ौज की ज़िंदगी कि दो भाई भी आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही ड्यूटी पे तैनात थे. जी मैम, यही ज़िंदगी, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं था. दोनों लोगों से ही मेरे लिए सबसे बुरा समय था कि मैं लास्ट समय में उनसे बात नहीं कर पाया. यही मेरे लिए सबसे बुरा समय था कि आखिर में बात नहीं हो. जी मैम. और गजराज सिंह जी, आप तो पिताजी हैं, पिता का दर्द आप ही समझ सकते हैं. आपके दोनों बेटे फौज में आ गए. आप आज अपने बेटे के बारे में देश को क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, दर्द बहुत है. जी सर. लेकिन गर्व भी होगा बेटे का. जी सर. बेटे से बात हो पाई? नहीं हुई, 8 तारीख हुई थी बस. कुछ बोले आपसे? पापा पंद्रह 20 दिन बाद आएंगे. जब ये इतने बात हुए कि और बात नहीं हुई थी. दिल बहुत टूटा हुआ है. जी. एक फौजी के लिए ये दिन आपकी ट्रेनिंग में है कि ऐसा दिन आ सकता है, लेकिन जब आता है तो वो जो दर्द है, आप भी तो इंसान हैं. मैम अभी एक आपको बताया पहले कि सैनिक होने के नाते मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि फ़ख्र की बात है. लेकिन एक ज़िम्मेदार घर का भाई होने के नाते ये लगता है कि वो मेरा सहारा एक छूट गया है. तभी अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा तो एक तो घर वालों को नहीं संभाल पाऊँगा, दूसरा अगर सैनिक के नाते कमज़ोर पड़ गया तो मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँगा. और मैं नहीं चाहता कि उसको जाने के बाद भी किसी तरह की परेशानी हो. और हम देख सकते हैं आपके पिताजी के फेस पर, अगर आप गजराज जी का देखें तो एक क्या हो जाता है कि एक इम्पैसिव सा एक्सप्रेशन हो जाता है, क्योंकि लफ्ज़ नहीं होते वो दर्द एक्सप्रेस करने के लिए. और यहाँ पर हम दादी जी से भी मिलने वाले हैं. दीपक की परवरिश जो थी दादी जी ने की. दादी जी, आपसे दीपक की कोई बात हुई? दादी जी आपके जाल आ गए थे. जाल आ गए थे तो कहें कि बुआ हम 10 रोज वहाँ जा रोगा ना, और कह समझा आगे कि बुआ का पानी धो. आप इधर आके बता सकते हैं, क्योंकि वो अपनी गांव की डायलेक्ट में थोड़ा सा ऐसे भूल जाइए. दादी जी क्या बोल रही? दादी कहना है कि दादी से जब बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि दादी आप परेशान मत होना, मैं 10 दिन बाद आ जाऊँगा. एंड फॉर वुमेन हु हैव टू स्टे होम एज द मेन देयर मैरिड टू सर्व ऑन द बॉर्डर कैन बी एब्सोल्युटली नर्व रैकिंग. यहाँ पे आरती हैं जो दीपक के भाई के साथ उनकी शादी है. प्लीज़ आरती जी. आपके लिए बहुत कठिन है ना? मैं इसके लिए बोल भी नहीं सकती. मुझे कितना उसके लिए कोई शब्द भी नहीं है. हमने मैं यहाँ पे विदा की थी. मैं यहाँ पे खड़ी थी, मेरे भैया इधर से निकल गए.
और आपके हस्बैंड भी फौज में हैं, तो ये होने के बाद आपको भी डर लग रहा होगा? डर तो लगता है ना एक फौजी की पत्नी को? हो गया, दोनों भी है, दुख भी है और खुशी भी, मतलब गर्व भी है कि मेरे दोनों हस्बैंड और देवर दोनों ही देश के लिए। तो ये है दीपक जी की पत्नी रेखा, और मैं सबसे पहले तो अफसोस जताना चाहूँगी, लेकिन रेखा अगर आप अपने एक पर्सनल लॉस के टाइम पर भी देश के लोगों को, सैनिक के लोगों को कुछ कुछ कहना चाहें। बहुत दर्द है ना? जी, मेरी लास्ट टाइम 8 तारीख को बात हुई थी। पहले मई में छुट्टी आने वाली थी तो बोले वहाँ ड्यूटी हुआ गई है, गलवान घाटी में हूँ तो अभी नहीं आ पाऊँगा छुट्टी। बोले थोड़े दिन में 15-20 जून तक आऊँगा मैं। हो गया, फिर उसके बाद मैं पूछती थी वहाँ ठीक है तो हमेशा ही बोलते थे सब यहाँ ठीक है, बस नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए बात नहीं हो पा रही। मुझे बोले थे तुम अभी चली जाओ मम्मी पापा के पास, मैं आऊँगा छुट्टी तो उधर से तुमको लेते हुए आऊँगा फिर। कब शादी हुई आप लोग? 30 नवंबर। अब आपको हिम्मत रखनी है ना? आप क्या बताना चाहेंगे दीपक जो एक इंसान थे, क्योंकि ये तो अब तय हो गया कि बहुत बहादुर सैनिक थे, लेकिन इंसानी लेवल पे, पर्सनल लेवल पे उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो सबके बारे में बहुत सोचते थे, उनका ये था कि बहुत स्ट्रगल करके मैंने पढ़ाई की है, तो हमेशा उनका ऐसा था कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ ऐसा करो कि मेरा नाम हो हर जगह। बोलते थे मुझे देश के लिए कुछ करना है, जॉब सब लोग करते हैं लेकिन मुझे कुछ अलग करना। क्या सपना था दीपक? वो कुछ देश के लिए ऐसा करना चाहते थे कि हर जगह उनका नाम हो, कुछ अलग करना चाहते थे। आप उनको किस तरह से याद रखना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग थे, इतनी प्रॉब्लम रहती थी लेकिन कभी किसी से शेयर नहीं करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। और आप टीचर हैं, आपको क्या कहते थे आपकी टीचिंग के बारे में? मुझे बोलते थे अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी जॉब करो, जिससे हर जगह जब मैं निकलूँ तो सब लोग बोलें कि दीपक की वाइफ कुछ अच्छा कर रही है। उनका सपना था मैं कुछ बड़ा करूं। तो अब आपको करना है ना? तो दीपक जो थे उन्होंने अपनी पत्नी रेखा से कहा, अपनी दादी जी से कहा, अपने भाई से कहा कि मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूं कि देश में मेरा नाम सब जाने। और मैं आपको ये तो बता सकती हूं कि उनका सपना उस हद तक पूरा हुआ, क्योंकि सब जानते हैं उनको, वो शहीद हुए, देश के नाम में शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए, अपने तिरंगा के लिए शहीद हुए, अपनी फ़ौज की इज्जत के लिए शहीद हुए, चाइना में गलवान वैली, चाइना के साथ लड़ते हुए गलवान वैली के अंदर। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब हम एक हेडलाइन पढ़ते हैं कि 20 सैनिक शहीद हुए, तो हर घर में एक कहानी है, एक दादी जी हैं, एक पत्नी है, माता पिता हैं और भाई हैं, और हम आज उन्हीं को सल्यूट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और भाई हैं जो फ़ौज में अभी भी सेवा कर रहे हैं और इस दर्द के वक्त में भी अपनी ड्यूटी पे वापस जाएंगे। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि इस घर के आंगन को अगर आप देखें, इनकी औरतों को देखें, इनके बड़े बूढ़ों को देखें, और यहाँ दादी जी का मैं ख़ास इसमें सलाम करना चाहती हूँ। दिस इज़ द ह्यूमन कॉस्ट दैट सोल्जर्स फैमिलीज पे फॉर सोल्जरिंग एंड आर ट्रिब्यूट टू देम, लीविंग यू विद दिस इमेज ऑफ द यंग नायक दीपक सिंह गहरवार and the tricolor he died defending.